अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल, दिस इज़ मी आमना वान। हैप्पी विंटर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, दिसंबर चल रहा है और आप सब लोगों को बहुत ठंड लग रही होगी। और बहुत हो गया मजाक, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और तो अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं कि आप लोगों को सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैरों का इशू है, एक मिनट, कि आपके पैर जो हैं वो ठंडे रहते हैं, पैर गर्म नहीं होते, और बस कभी कभार आपको ठंड लगती है। जैसे अगर आपने ठंडे पानी से वजू किया है या आप शावर लेकर आए हैं, आपको ठंड लग रही है, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत कमाल का सोल्यूशन। इस वीडियो में बेसिकली हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर को, जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। आई डोंट नो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए किस तरह से वर्क करता है। चलिए इसके फ़ायदों के बारे में और इसके नुकसान के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सो दिस इज़ सोगो JPN 95 इलेक्ट्रिक हीटर। और अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें दो हीटिंग ट्यूब्स हैं, 400 वाट्स एंड 800 वाट्स की सेफ्टी टिप ओवर स्विच है, सेफ्टी मेश ग्रिल्स है और वोल्टेज हैं 220 से 240 तक। इट्स ब्रोकन। ये हैं इसके दो स्टैंड्स। इट्स ओके, थोड़ा सा टूटा हुआ है और हम इसको एहतियात से बाहर निकालते हैं। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द सेम प्रोडक्ट आई ऑर्डर्ड। लेट्स चेक साइड पे। सो दिस इज़ द हीटर बेसिकली। और ये जो दो इसके स्टैंड्स हैं, लाइक ये स्टैंड्स, ये जाएंगे इसके नीचे। बहुत मज़ा आता है मुझे इंजीनियरिंग करने का। ये देखें जी, ये इसके दो स्टैंड्स लग गए हैं। और अब मैं आप लोगों को ये हीटर चलाकर दिखाती हूँ अभी कि ये कितने सेकंड्स में ऑन हो जाता है। तो चलिए जी, मेरे पास ये अच्छा, इसकी वायर आप देख लें कि बहुत छोटी है और ये सिर्फ उसी सूरत में यूज़ किया जा सकता है कि आपके पास स्विच बोर्ड मौजूद हो जहाँ पर आप बैठे हैं उसके बहुत करीब। ये डायरेक्टली जो है वो दीवार पर स्विच में नहीं लग सकता। ये मेरे पास एक एक्सटेंशन पड़ी हुई है जो कि मेरे बेड के पास ही रहती है, क्योंकि मेरे बेड के पास कोई स्विच नहीं है, तो मैं इसी में इसको लगाती हूँ जिसमें मैं अपने चार्जर्स लगाऊँ। में हम लगा रहे हैं स्विच और यहाँ से हम करेंगे एक बटन ऑन और ये चंद सेकंड्स में ही, लाइक 10 से 20 सेकंड में ही ऑन हो जाएगा। तो इसमें जो ट्यूब्स हैं, ये दो ट्यूब्स हैं इसकी, एक बटन से एक ट्यूब ऑन होगी, दूसरे बटन से दूसरी, और इसने फ़ौरन से हीट करना शुरू कर दिया है। इसने हीट करना स्टार्ट कर दिया और बस ये, तो बस ये ऑन हो गया। अब हम दूसरा बटन ऑन करेंगे तो दूसरी ट्यूब भी ऑन हो जाएगी। तो ये देखें, तो ये जितनी हीट कर सकता है ये 20 से 30 सेकंड में उतनी हीट करना स्टार्ट कर देगा। चलिए जब इसके फ़ायदों की बात करते हैं, तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल भी कोई शोर नहीं करता। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका कोई शोर नहीं है, ये बगैर किसी शोर के चलता जाएगा। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि ये फ़ौरन से हीट करना शुरू कर देता है। तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि ये मैंने तो ये सुना है कि ये कम बिजली जो है वो खींचता है, लेकिन बहुत से हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो मुझसे यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर चला रही हो तो पता नहीं कितनी बिजली जो कंज्यूम होगी। बट आई रियली डोंट नो अबाउट दिस। मैंने तो यूट्यूब पर चेक किया था कि जितने वाट्स ये लेता है उस हिसाब से ये बहुत कम यूनिट्स जो है वो बिजली के कंज्यूम करता है, बट ये तो बिल आने के बाद ही पता चलेगा। सो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती ये इसका फ़ायदा है या नुकसान। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि ये पोर्टेबल है आप, और ये इतना लाइट वेट है ना कि आप इसको उठाकर कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसे घर से बाहर भी लेके जाना चाहें तो आप इसे आराम से लेकर जा सकते हैं, कोई वजन नहीं है और आराम सुकून से आप कहीं भी जाकर इसको स्विच लगाकर ऑन कर सकते हैं। लाइक वो टिपिकल गैस के हीटर्स की तरह नहीं है कि आपको जहाँ गैस अवेलेबल होगी, जहाँ पर पाइप अवेलेबल होगा, वहीं पर ये हीटर चल सकता है। अच्छा, अब इसके नुकसान की बात करते हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ एक ही है कि ये आपका कमरा गर्म नहीं करता, क्योंकि ये छोटा सा हीटर है बेचारा जिसके अंदर सिर्फ दो ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि अगर मैं इसके सामने बैठी हूँ तो सिर्फ मुझे ही थोड़ी हीट महसूस हो रही होगी, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको नहीं महसूस होगी। ये कमरा बिल्कुल भी हीटअप नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए एक्चुअली फ़ायदेमंद है। उन लोगों के लिए जिनको पूरा कमरा हीटअप करना होता है और एक वार्म सा इन्वायरमेंट करना होता है, क्रिएट करना होता है कमरे में, उनके लिए ये हीटर फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको हल्की सी हीट चाहिए होती है
और बस थोड़ी देर के लिए चलाया, आपने अपने पैर इसके सामने रखे, या अगर आप वजू करके आए हैं ठंडे पानी से तो आप थोड़ी देर इसके आगे बैठ गए और फिर आपने इसको बंद कर लिया। तो मेरे लिए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, मेरे लिए सारे फ़ायदे ही हैं, तभी मैंने इसको ऑर्डर किया है। और अगर आप भी मेरी तरह, आपकी भी ज़रूरियात अगर मेरी तरह की हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और ये कितने डिस्टेंस तक आपको हीट दे सकता है? लाइक ये 1 से 1.5 फीट तक, अगर मैं इसको अपने से 1 फीट दूर रखूँ, हाँ ये 1 से 1.5 फीट तक आपको जो है ना हीट प्रोवाइड करेगा। अगर इससे दूर रखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि कुछ आपने चलाया है। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और एडिटिंग करते हुए मुझे याद आया, मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, जैसे ये हीटर बहुत लाइट वेट है, इन केस अगर आपका पाँव लग जाता है या कोई बच्चा आपके घर में मौजूद है और उसने इसको गिरा दिया है, ये हीटर गिर जाता है, तो इस सेफ्टी बटन की वजह से उसी वक्त ये हीटर बंद हो जाएगा। ये बटन है और ये सिर्फ हीटर उसी सूरत में चलेगा जब ये बटन प्रेस होगा, और ये प्रेस सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब ये हीटर खड़ा हुआ होगा। ये देखें, ये चल पड़ा। अगर ये उल्टा गिर जाए, सीधा गिर जाए, किसी भी पोजीशन में गिर जाए, तो ये हीटर उसी वक्त बंद हो जाएगा। उप्स, ये देखें, और सिर्फ प्रेस होने की सूरत में चलेगा। तो जनाब ये था रिव्यू सोगो के पोर्टेबल हीटर JPN 95 मॉडल का, और सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं और आपको इसका इस्तेमाल करना भी बता दिया है, दिखा दिया है, इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखा दी है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मैंने 1800 में एक वेबसाइट से परचेज़ किया है और 300 मुझे डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं, तो टोटल आई पे 2100 फॉर दिस। और मैंने आपको बताया कि ये डिलीवर करते हुए थोड़ा सा टूट भी गया है यहाँ से, लेकिन इट्स ओके, काम तो कर रहा है अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप मज़ीद गैजेट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।